हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया इन द किचन। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी ट्रेडिशनल फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये झारखंड और बिहार में बर्नवाल मोदी समाज में काफ़ी फेमस है। ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है। ये चावल के आटे से बनाया जाता है और ये स्पेशली ना मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को बनाया जाता है और होलिका दहन के दिन भी इसे बनाया जाता है। इवन ये हमारा ट्रेडिशनल फूड जो है ना, वो अगर बेटियां या बहुएं मायके या ससुराल जाती है ना, तो उसे भी संदेश के रूप में दिया जाता है और ये ट्रेडिशनल अभी भी गांव में फॉलो किए जा रहे हैं। शहर में तो धीरे धीरे ये थोड़ा बंद होता जा रहा है, बट गाँव में अभी भी इसे फॉलो किए जा रहे हैं। इवन ना अगर किन्हीं के घर पे जाते हैं, शादियां हो या फिर किसी के घर पे जाते हैं ना, तो इसे संदेश के रूप में लेकर जाया जाता है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मैं चना दाल ले रही हूँ। ये चना दाल और आलू दोनों से बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ चना दाल वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 1 कप चना दाल लिया है, उसे अच्छे से वॉश करके कुकर में रख लिया। अब 1 कप चना दाल के अकॉर्डिंग 1 1/4 कप चना दाल में जो है वो पानी मैंने ऐड किया है। आपको ध्यान रखना है 1 कप चना दाल और 1 1/4 कप जो है पानी। अब इसे ना गैस पे रखना है, हाई फ्लेम पे 1 विशल आने तक का वेट करेंगे। उसके बाद बिल्कुल लो टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही कुकर के ढक्कन को खोलना है। तो चलो कुकर ठंडा हो चुका है, मैं आपको ना दाल निकाल कर दिखाती हूँ। बिल्कुल दानेदार सा टेक्सचर हुआ है, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं है। बट यहाँ छन्नी की हेल्प से ना मैं इसे छान दे रही हूँ कि अगर एक्स्ट्रा वाटर हुआ तो वो निकल जाएगा, जिससे कि स्टफिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको हटाकर दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल भी वाटर इसमें जो है वो नहीं है। बिल्कुल दानेदार सा टेक्स्चर आया है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, तेल गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा जीरा ऐड की हूँ और जीरे को अच्छे से चटकने के बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे ना मैं 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ, 15 लहसुन की कलियाँ हैं और 1 इंच अदरक है। ये जब थोड़ा सा स्पाइसी बनता है ना तो ही इसका मजा आता है खाने में, क्योंकि जब हम लोग ना चावल के आटे में इसको स्टफिंग करते हैं तो उससे थोड़ा सा उसका स्पाइसनेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा स्पाइसी रखिए जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसे कुक करना है, जिससे कि मसाले अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपको लगता है मसाले थोड़े से ड्राई हो रहे हैं या जल रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा जो है वाटर ऐड करना है, जैसे मैंने किया है। और इसके बाद मसाले कुक हो चुके हैं, मैं यहाँ पे दाल को ऐड कर रही हूँ। जब इसे स्टफिंग करते हैं ना तो दाल का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल दानेदार सा होता है। बट आज मैं ना इसे मैश करूंगी। एक्चुअली मुझे मेरी बेबी को खिलाना है, उसे भी बहुत पसंद है, तो इसे मैं मैश कर रही हूँ। अगर आपको मैश करना है आप मैश कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप दानेदार सा टेक्सचर रख सकते हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे धनिया की पत्ती ऐड करके एक बर्तन में मैं ट्रांसफर कर लूंगी। तो चलो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा ले, जिससे कि अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं चावल का आटा ले रही हूँ। इसमें अराउंड ना 10 कचौड़ियां जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगी। इसी के अकॉर्डिंग जो है पानी का मेजरमेंट लेना है। ये व्हाइट राइस का आटा है, आपको खास ध्यान रखना है। अगर व्हाइट राइस का आटा हो तो उसे थोड़ा सा जो है वो ड्राई रोस्ट करते हैं, और अगर आप बॉइल्ड राइस का आटा लेते हो या स्टीम राइस का आटा लेते हो तो उसे बिल्कुल भी रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसे स्टार्ट करेंगे डो बनाना। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने जैसा बोला ये व्हाइट राइस का आटा है, तो इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 1.5 कप मैंने चावल का आटा लिया है, इसमें 10 कचौड़ियां बन जाएंगी। इसे आप देख सकते हो मैं कंटिन्यू जो है वो इसे चला रही हूँ। इससे क्या होगा ना, नीचे के लेयर्स जो है, नीचे की जो तरफ के जो चावल के आटे हैं वो जलेंगे नहीं। इसे कंटिन्यू आपको इसी तरीके से चलाना है और इसे बहुत देर रोस्ट नहीं करना है, ओनली 2 to 3 मिनट रोस्ट करना है। मैं बताती हूँ रोस्ट क्यों करते हैं। इसका जो तामीर होता है वो गर्म होता है, तो उसे हटाने के लिए इसे रोस्ट करना पड़ता है, जिससे कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें ना मैं वाटर ऐड करूंगी। आपको ध्यान रखना है 1 कप आटा में 1.5 कप वाटर ऐड करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ना मैंने 1.5 कप आटा लिया था, तो मैं यहाँ पे 2 कप एंड
थोड़ा सा, हाफ से थोड़ा सा कम मैंने वाटर ऐड किया। इसमें बिल्कुल अच्छा सा बॉईल आने देना है। बॉईल आने के बाद ना इसे मैं थोड़ा सा पानी को निकाल दे रही हूँ। आप देख सकते हो एक बाउल में मैंने थोड़ा सा वाटर रख लिया। मैं बताती हूँ मैंने क्यों निकाला है। अब ये बढ़िया से जब बबल्स आने लगे तो आप फ्लेम को बिल्कुल कम कर दो। आप देख सकते हो टेम्परेचर मैंने जीरो कर दिया है और थोड़ा 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 करके पूरा एक साथ चावल के आटे को ऐड करना है। उसके बाद ही जब पूरा आटा आप डाल दोगे पानी में, उसके बाद ही आप चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स करो और मिक्स करते करते आप देखोगे ये थोड़ा सा ड्राई सा जो है वो डो बनकर रेडी होगा। आप देख सकते हो ये मैंने किस तरीके से मिक्स किया है और ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। इसे 1 to 2 times और इसे चलाऊंगी मैं। और इसके बाद जब अच्छे से सारे आटे में पानी मिक्स हो जाएगा, इसके बाद ना मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर करूंगी। आप जरूर ट्राई करना। जिस किसी ने भी खाया है सबने वाव वाली फीलिंग जो है वो सो की है, काफी अच्छा लगता है इसे खाने में। तो चलो इसे एक बाउल में मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब इसे ना थोड़ा सा ठंडा होने देना। आप देख सकते हो किस तरीके से जो हल्का ड्राइनेस में ये डो बना है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। क्योंकि अगर आप गीला करोगे ना तो या तो आप जब इसे डीप फ्राई करते हो तो उसमें ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा या फिर आपको स्टफिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसी तरीके से ड्राई रखना है। ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा हो चुका है तो आप देख सकते हो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। एक बात का आपको और खास ध्यान रखना है कि इसे आप जितना ज्यादा मैश करोगे, दैट मीन जितना ज्यादा इसे आप मिक्स करोगे, डो आपका उतने सॉफ्ट बनेंगे और जितने डो सॉफ्ट बनेंगे कचौड़ियां उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसे जो है ना अराउंड 15 मिनट लगते हैं, 10 to 15 मिनट इसे लगते हैं डो को बिल्कुल रेडी करने में। मैंने जो पानी निकाला था ना उसे थोड़ा थोड़ा सा मैं हाथ में पानी लेकर ना उसे आप देख सकते हो मैश कर रही हूँ, जिससे कि ये जो हाथ का जो ड्राइनेस है ना वो ना जाए। और अगर आप ये पानी नहीं निकालते और अलग से आप पानी ऐड करते तो आपका डो गीला हो जाता। तो आप देख सकते हो डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलो मैं बताती हूँ कि डो किस तरीके से पहचानेंगे रेडी हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा जो है एक लोई के बराबर मैं आप देख सकते हो हथेली में रख ली हूँ। और इसके बाद ना मैं इसे एक लोई का शेप देकर ना इसे हल्का सा प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद में ना अगर इस पे क्रैक्स नहीं आएंगे तो डो जो है वो बिल्कुल सही है। अगर क्रैक्स आते हैं तो आपको वंस अगेन जो है इसे अच्छे से गूथना है। हमारी लैंग्वेज में इसे मेड़ना बोला जाता है। तो जितना ज्यादा आप इसे मेड़ोगे ना उतना ज्यादा अच्छा कचौड़ी बनेगा। तो देखो बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं, दैट मीन्स बिल्कुल डो जो है वो रेडी है। अब इसे मिक्स करके इसे थोड़ा सा मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि इसे फ्राई करना है। तो अब मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो, बट आप ना मस्टर्ड ऑयल में बनाकर देखना, काफी इसका जो टेस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो जब तक तेल गर्म होगा ना तब तक हम लोग कचौड़ियां रेडी कर लेते हैं। तेल को जो है वो धुआंधार सा अच्छे सा गर्म करना है, तभी इसमें हम लोग कचौड़ियां ऐड करेंगे। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल उसी में से मैंने एक बाउल में रख लिया, ये दाल जो मैंने रेडी किया था और ये डो। तो चलो अब स्टफिंग करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल मैं अपने हथेलियों पर लगा ले रही हूँ, जिससे कि जब आप कचौड़ियां रेडी करोगे ना तो हथेली में जो है वो डो लगेगा नहीं और बिल्कुल अच्छा सा बोलते ना चिकनापन में ये कचौड़ियां बनेंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है आटा लेकर मैं एक लोई बना रही हूँ। रोटी के साइज से लोई थोड़ी सी बड़ी होगी। अगेन मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है अपने हथेलियों पे आप देख सकते हो फिंगर्स पे ली हूँ। इससे भी क्या होता है ना कि जब आप स्टफिंग करोगे तो ये चिपकेंगे नहीं आपके हथेलियों पे। आप देख सकते हो जो मैंने ये कटोरा का शेप बनाया है तो इसके जो सेंटर का जो है वो थोड़ा सा थिक रहेगा और किनारे की लेयर्स जो है वो थोड़ी पतली रहेंगी। अब मैंने यहाँ पे दाल लेकर इसे स्टफ किया है। आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से करना है, अदरवाइज कचौड़ियां आपकी फट जाएगी। और इस तरीके से इसे लॉक करना है। लॉक करने के बाद में इसे हथेलियों पर हल्का सा प्रेस करते हुए दोनों हाथ की हेल्प से कचौड़ी का शेप देना है। इसमें बेलन यूज नहीं करना है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हैंड से ही होगा। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा इसे प्रेस कर रही हूँ जिससे कि ये हर तरफ से इक्वली हो जाए। और इसके बाद में ना इसे मैं बिल्कुल कचौड़ियों का शेप दे दी। थोड़ा थोड़ा सा किनारे से मैं प्रेस कर रही हूँ जिससे कि जब आप डीप फ्राई करो तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो आप देख सकते हो कचौड़ियां जो है वो भरकर बिल्कुल रेडी है। अब मेरा एक और ट्रेडिशनल आपको बताती हूँ, हमारे में प्लेन कचौड़ियां नहीं बनती हैं तो इसलिए थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से मैंने यहाँ पे प्रेस किया है। ये क्यों किया जाता है मुझे भी नहीं पता, बट हमारी मम्मी नानी दादी सब लोग करती हैं इसलिए मैंने भी सीखा है।
तो ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है। बस एक ही साइड से इसे प्रेस करना है, अपोजिट साइड से इसे प्रेस नहीं करना है। प्रेस करोगे तो ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं, इसमें होल भी नहीं होगा, आप ट्राई करना। तो चलो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब वन बाय वन जो है कचौड़ियों को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक बार में मैं 3 ही कचौड़ियां डालूंगी। ध्यान रखना है ओवरलैप नहीं करना है, अदरवाइज आपकी कचौड़ियां जो है वो फट सकती है। तो यहाँ पे मैं 3 ही कचौड़ियां ऐड कर रही हूँ और इसके बाद में ना इसे थोड़ा देर इसे कुक होने के लिए देना है। अगर आप तुरंत टर्न करोगे तो ये फट जाएगा, तो थोड़ा देर 1 to 2 minutes जब लगे कि हाँ ये नीचे से पक चुका है तो फिर इसे टर्न कर देना है। और टर्न करने के बाद में भी इसे पकाना है। इसका टेम्परेचर जो है आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। आप देख सकते हो मैं 800 के टेम्परेचर पे बना रही हूँ। आप गैस पे बनाते हो तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप बना सकते हो। तो चलो चेक करते हैं ये पका है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो चेक किया जाता है कि कचौड़ियां रेडी है कि नहीं। एक तो ये गोल्डन कलर आ जाएगा और सेकेंड चीज क्या है, आप एक कचौड़ियां निकाल लो और इसे ना मैं एक फिंगर की हेल्प से प्रेस करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि प्रेस करने से ही पता चलेगा कि कचौड़ियां जो है वो रेडी हुई है या नहीं। तो चलो लगभग 1 to 2 minutes जो है वो लगभग हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा फिंगर से प्रेस कर रही हूँ। देखो इस साइड से वो थोड़ा सा प्रेस हो रहा है। चलो एक बार अपोजिट साइड भी चेक कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड से ना ये प्रेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उस साइड तो पक चुका है और फर्स्ट साइड जो मैंने आपको प्रेस करके दिखाया था वो नहीं पका था। तो वंस अगेन जो है मैं इसे टर्न कर रही हूँ और टर्न करने के बाद में जो है इस साइड से भी मैं इसे कुक कर ले रही हूँ। तो आपको खास ध्यान रखना है, मैंने बताया है कि किस तरीके से चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है। चलो मैं वंस अगेन आपको एक बार प्रेस करके दिखाती हूँ। देखना बिल्कुल भी ये नहीं दबेगा, दैट मीन्स कचौड़ियां जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से सारी कचौड़ियों को बनाकर रेडी कर लेंगे और थोड़ा सा ना इसे तेल जब निकल जाए उसके बाद मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफर करूंगी। तो इस तरीके से जितनी भी कचौड़ियां हैं वो मैं निकाल कर रख लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारा मोदी ट्रेडिशनल फूड रेसिपी, आप जरूर से जरूर ट्राई करें। ये हमारे में गांव के ट्रेडिशन में अभी भी इसे फॉलो किया जाता है। जैसा मैंने बोला कि जब मायका या ससुराल बेटियां जाती हैं, बहुएं जाती हैं, तो उन्हें संदेश के रूप में भी दिया जाता है। आप जरूर से जरूर ट्राई करें, काफी टेस्टी लगती है। तो देखो इस तरीके से चलो सारी कचौड़ियों को रेडी कर लेते हैं और आप लोग ना जरूर से जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी ट्रेडिशनल फूड कैसी लगी जो झारखंड और बिहार में मोदी समाज में बनाए जाते हैं। देखो कचौड़ियां बिल्कुल रेडी है, इसे मैं टमाटर की चटनी के साथ खाने वाली हूँ। आप इसे प्लेन टमाटर की चटनी या सब्जी के साथ भी खा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी और आप जरूर से जरूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बेल आइकन तो बिल्कुल से ही दबाना जिससे कि अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।